देवास पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ, देवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट के शातिर आरोपी को किया गया है गिरफ्तार। सोने की चेन, एक पल्सर गाड़ी और मोबाइल सहित 2 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। जी हाँ, सोने की चेन और पल्सर गाड़ी सहित 2 लाख रुपए का माल जब्त किया है। देवास कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जहाँ उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। करने वाले आरोपी को आपने पकड़ा, क्या पूरा मामला था? दिनांक 17 मार्च 2024 को मोती बकरा क्षेत्र थाना कोतवाली में एक घटना हुई थी, जिसमें बाजी करके एक महिला थी और उनकी चेन छीन के एक बदमाश भागा था। इसकी रिपोर्ट उन्होंने किया और तत्काल पुलिस की टीमें लगी। उसमें लंबे जांच पड़ताल और मेहनत के पश्चात मामले का खुलासा हुआ। इसमें जो आरोपी है भोपाल के काजी कैंप का रहने वाला फिरोज करके व्यक्ति आया है। ये काफ़ी हार्डेंड क्रिमिनल है। इसके ऊपर 32 से अधिक मामले दर्ज हैं और अपनी घटना के पश्चात भी इसने कुछ अन्य शहरों में भी घटनाओं का अंजाम दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके इससे मौके में जो लूटी गई चेन थी वो चेन बरामद की गई है और इससे और भी पूछताछ किया जा रहा है। सर, ये आरोपी एक ही अकेले वारदात करा है? देवास की घटना में एक ही आरोपी आया है फुटेज वगैरह में और इसके द्वारा भी पूछताछ में और जो हमारी जांच में भी आया है, तो इस घटना में एक ही आरोपी की समीक्षा है। और सन 2022 तक इसके विरुद्ध 32 मामले दर्ज हैं। उसके बाद भी इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, जिसमें हमारा एक देवास का प्रकरण है, साथ ही साथ सागर जिले का एक लूट का प्रकरण बताया जा रहा है, गंजवासौदा विदिशा का प्रकरण बताया जा रहा है। बाकी अन्य जिलों में भी जहां इस अवधि में लूट वगैरह हुई है, वहां की पुलिस की टीमें संपर्क कर रही हैं, तो संभवतः और जगह भी हो सकता है इस घटना की। सर, देवास में ये केसरिया गमछा बांध करके वारदात कर रहा था, आपने जब्ती की? जो घटना हुई है उस दौरान आरोपी का चेहरा ढका हुआ था, तो इसलिए इसके द्वारा उपयोग किए हुए जो कपड़े हैं वो भी जब्त किए। सर, पुलिस टीम कैसे पहुंची? 750 चूंकि ये पूरा चेन हमको निकालना था और आरोपी आप जैसा चर्चा में आया कि ये भोपाल का रहने वाला है, जो कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक लिंक स्थापित करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में CCTV भी देखे गए। साथ ही साथ यहाँ जो पूर्व की घटनाएं हुई थी उन आरोपियों का भी वर्तमान स्थिति और कहाँ पर वो है, उनके द्वारा तो घटना नहीं की गई है, ये भी देखा गया। साथ ही साथ आसपास के भी जिलों में जो घटनाएं हुई हैं उनके आरोपियों का भी परीक्षण किया गया, तो लास्ट में ये आरोपी जाकर निकला और बरामद। सर, टीम को सफलता मिली, क्या कुछ इसमें पूछताछ? इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था, जिस टीम ने मेहनत किया उसको अवार्ड दिया।